माइल ब्लास्टिंग से थर्रा उठा गांव तिरोड़ी में मांग को लेकर बैठे धरने पर ग्रामीण। क्षेत्र की माइल नगरी तिरोड़ी में मंगलवार को माइल में हेवी ब्लास्टिंग का विरोध करते हुए पुरानी तिरोड़ी के ग्रामीणों ने शांतिप्रिय ढंग से धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मध्य प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष बिचेन ने धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को समस्या को गंभीरता मानते हुए अपना समर्थन दिया। तो वहीं ग्रामीणों के धरने पर बैठने की जानकारी मिलते ही माइल लिमिटेड में हड़कंप सा मच गया, जिसके चलते माइल जीएम माइल मैनेजर दीपेंद्र पीओ अमित सिंह तिरोड़ी तहसीलदार भगवान दास कुमरे पुलिस थाना प्रभारी चयन सिंह उइके ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए धरना स्थल पर पहुंच गए, जहां ग्रामीणों ने बारी बारी से अधिकारियों को माइल में होने वाले हेवी ब्लास्टिंग से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने पूर्व में ही अपनी समस्याओं से माइल के अफसरों को अवगत करा दिया था, परंतु अफसरों ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते मंगलवार को मजबूरन ग्रामीणों को अपनी समस्या की तरफ माइल अधिकारियों का ध्यानाकर्षण कराने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा। समस्या ये है सर कि यहाँ पर हेवी ब्लास्टिंग हो रही है पिछले कई वर्षों से, जिसके वजह से हमारे गांव में बहुत आपत्ति है। मतलब हेवी ब्लास्टिंग की वजह से जान माल का खतरा है, घर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, वायु प्रदूषित, पर्यावरण प्रदूषित, जिसके वजह से हमारे स्वास्थ्य की भी जो बीमारी है समस्या है। जल स्तर खराब हो गया, अभ्रक वाला पानी पी रहे हैं हम। ये समस्या हमने कई बार वायु प्रशासन को और कई सरकारी विभागों को दी है, मगर उनके तरफ से मतलब कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग यही है सर कि एक तो ब्लास्टिंग बंद कर दी जाए, या फिर आपको ब्लास्टिंग बंद नहीं करना है तो हमारा गांव जो बस्ती जो लगी है लगभग 200-300 मीटर दूर है, उसे उठा दिया जाए बस। आज यहाँ ये जो पब्लिक है किस मुद्दे को लेके आप यहाँ है? ये हमारे पुरानी तिरोड़ी ग्राम के सभी नागरिक लोग हैं, और ये जहाँ पर सभी लोग धरने पे बैठे हैं, ये मैग्नीजोर इंडिया लिमिटेड का खदान वाला एरिया है। यहाँ पर ये बहुत शक्तिशाली विस्फोट ये लोग करते हैं, और विस्फोटों के चलते जो है ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। यहाँ का गांव के लगभग सभी मकानों में दरारें आ चुकी है। विस्फोट के बाद जो पत्थर उड़ के जाते हैं उससे ग्रामीणों के जान माल का खतरा लगातार बना हुआ है, और यहाँ का जो पानी है वो भी पीने योग्य नहीं है। उसमें अभ्रक की अत्यधिक मात्रा पीने के पानी में आ रही है, जो कि जानलेवा भी होती है और आदमी को नपुंसक भी बनाती है। तो ये प्रमुख मांगे हैं जिनके लिए ये लोग सभी धरने पे बैठे हैं, और चूंकि ये सभी कामगार लोग हैं इसलिए मैंने इनको अपनी तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से समर्थन दिया। अधिकारी लोग चाहते हैं कि उनका काम बंद नहीं होना चाहिए, और ग्रामीणों की स्पष्ट मांग है कि जब तक हमारी समस्या का हल नहीं निकलेगा हम लोग धरना अपना चालू रखेंगे। क्योंकि खदान क्षेत्र का मैग्नीजोर इंडिया लिमिटेड का कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पर है नहीं, एक कोई तीन खदानों का कोई मैनेजर यहाँ पर उपस्थित हुआ है बातचीत करने के लिए, जो ऊपर बात अपने बड़े अधिकारियों को बात पहुँचाने की बातें कह रहा है। तो अगर उसके माध्यम से हल निकल जाता है तो ठीक है, अन्यथा इस आंदोलन को हमारा समर्थन रहेगा, और जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक हम यहाँ इनके साथ रहेंगे। नांदी तिरोड़ी से राहुल भूरे।